नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के द्वारा कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें दो प्रकार की पोस्ट निकाली गई थी। जूनियर परचेज असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई थी और स्टोर कीपर की पोस्ट निकाली गई थी। टोटल 62 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म थे वो 10 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे। 10 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और जो लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर थी 2023 थी। बच्चे इसकी एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे थे, सभी बच्चे। तो फाइनली अब सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा इस एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दी गई है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें और हम देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और बेसिक सी जानकारी भी ले लेते हैं, ताकि आपको जो तैयारी करेंगे आप एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करने में आसानी रहे। तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर था DPS 2023/2, और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म थे वो 10 दिसंबर 2023 से भरे गए थे और जो लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी। और जो इन्होंने टेंटेटिव डेट बताई थी एग्ज़ाम की, OMR बेस्ड आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, Level 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। देख लीजिएगा यहाँ पे Level 1 और Level 2 दो एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे। पहला OMR बेस्ड होगा और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट, ईमेल्स, मोबाइल नंबर्स एंड स्क्रीन इन कैंडिडेट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। यहाँ पे टेंटेटिव बताया था 3rd week of January 2024, तो इसके आसपास ही आपकी एग्ज़ाम डेट आई है। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। आइए हम आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे Level 2 आ गया है। Level 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, Level 1 भी था शायद, हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए Level 1 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे Level 1 में, और जो Level 2 होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहने वाला है। तो Level 1 देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देख लीजिएगा, एनरोलमेंट क्राइटेरिया, मार्क ऑब्टेन इन Level 2 एग्जामिनेशन ओनली। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, Level 1 एग्जामिनेशन विल बी ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द Level 2 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे बताया गया है जो Level 1 आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा या लिया जाएगा, तो वो ओनली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वालिफाई है, उसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, Level 1 का एग्ज़ाम सिलेबस देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा, Level 1 एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे Level 1 क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा। OMR बेस्ड रहने वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से पूछे जाएंगे। जर्नल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, जो कि 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग इन साइंस, बेसिक कंसेप्ट 12th standard level। तो आपसे रीजनिंग और बेसिक साइंस आपसे पूछी जाएगी, जो कि 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ आपसे पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन की, कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन की। तो इन सभी को मिलाकर आपको 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे Level 1 के एग्ज़ाम में आपसे, और जो कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ड्यूरेशन फॉर पर्सन, जो डिजेबल पर्सन होंगे उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो ये यहाँ पे बता दिया गया Level 1 का। आई होप सिलेबस आपको अच्छे से पता चल गया होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा। और Level 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, Level 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे Level 2 में सब्जेक्ट देख लीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन, पार्ट ए में आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्राइजिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसन प्रिसी इंग्लिश ग्रामर 50% टू बी रिटन इन इंग्लिश। और यहाँ पे पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव आपसे पूछा जाएगा, टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ एसे नथिंग आफ्टर ड्राफ्टिंग 50%। तो 50-50% दोनों पार्ट ए और पार्ट बी में आपसे पूछा जाने वाला है, और मैक्सिमम मार्क्स ये 100 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और जो डिजेबल पर्सन है उनको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका Level 1 और Level 2 का सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। और ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए, ऑल कैंडिडेट हु अप्लाइड द फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड Level 1 एग्जामिनेशन। क्वेश्चन फॉर Level 1 एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। Level 1 में जो आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। क्वेश्चन विल बी हिंदी और इंग्लिश, मतलब दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे पेपर पूछा जाएगा। देर विल बी नेगेटिव मार्किंग ओवर 0.25 मार्क, तो इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा।
लेवल वन एग्जामिनेशन यहाँ पे बता दिया गया, द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ऑफ लेवल वन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप इज 40% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 33%। तो यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया भी सेट किया हुआ है लेवल वन के लिए, जनरल को 40% लाना अनिवार्य है और जो अदर ईडब्ल्यूएस मतलब जो अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनके लिए 33% लाना अनिवार्य है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है, आगे हम देख लेते हैं। आगे बात करें, द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल टू एग्जाम डिस्क्रिप्टिव इज 50% फॉर जनरल, और ये सेम वही रखा गया जो लेवल टू का डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होगा उसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 50% और जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 40% क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया गया है। द लेवल वन एंड लेवल टू एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ये जो लेवल वन और लेवल टू एग्ज़ाम होगा वो सेम डे कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपका सेम डे होगा और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा उसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर भी ले लिया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रख के आप जाएँ। हाउएवर ओनली दोज लेवल टू पेपर्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्ट लेवल वन एग्जाम विल बी इवेल्यूटेड इन द केस ऑफ मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन लेवल वन एग्जामिनेशन इन द कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड लेवल टू एग्जामिनेशन अपर 20 टाइम्स इन द वैकेंसी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया गया है कि जो 20 गुना बच्चे हैं उनका 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी होगी, यहाँ पर ये थोड़ा सा इन्होंने बता दिया गया है। और ये बेसिक सी जानकारी थी, तो मेन चीज़ यही था, अगर आपके मन में डाउट है कि दोनों पेपर सेम डे होंगे तो दोनों पेपर सेम डे ही होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर जिस दिन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और उसी दिन लिया जाएगा। अब अंत में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, आइए देख लेते हैं और हम आगे आ जाते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, लेवल वन का था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कैंडिडेट ये आपने देख लिया हुआ, ये मेन चीज़ आ गई है, एग्ज़ाम डेट आ गई है, यहाँ पे देख लीजिएगा ये एग्ज़ाम डेट आपकी निर्धारित की गई है, तो आप इसी को ध्यान में रख के कीजिएगा। डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन 4 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी में लग जाइएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 फरवरी 2024, लगभग आपके पास 20 से 22 दिन है, तो अपनी तैयारी में और जी जान लगा दीजिएगा। हार्ड वर्किंग डेफिनेटली आप कर रहे होंगे, इसी तरह आप हार्ड वर्किंग करते रहें क्योंकि आज के टाइम में वैकेंसी बहुत कम होती जा रही है और कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है, और अपनी तैयारी लगातार करते रहें। और कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।